हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसन स्पिन के लिए किस तरीके से अप्लाई करें। इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल YT स्टूडियो में $10 हो जाते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, और आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करके और आपको वहाँ पर लिखना है गूगल एडसन्स। आप गूगल एडसन्स की वेबसाइट पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद में अपने यूट्यूब चैनल की जो ईमेल है उससे आपको यहां पर साइनअप हो जाना है। तो चलिए मैं यहां पर साइनअप हो चुका हूं। जैसे ही आप साइनअप हो जाते हैं तो आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर करना होता है। बिल्कुल मैं आपको सरल तरीके से बताऊँगा और एक ही बार में आप अप्लाई कर पाएंगे एडसन्स पिन के लिए, ठीक है। तो वो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर में आपको थ्री लाइन्स पर सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। पेमेंट इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि मेरे $1.41 यानी कि पिछले मंथ की है। यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपनी आईडी सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। आईडी किस नेम से है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कि आईडी का यानी कि सामने का फ़ोटो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में सेकेंड यानी कि पीछे का बैक का, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आप PNG फाइल में ज़रूर अपलोड करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर PNG फाइल पहले से ही बना के रखी है और मैं यहाँ पर इन्हें अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए हम बैक यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरीके से अपलोड कर देना है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम नीचे से ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है अपना फुल, और इसी के साथ में उसके पीछे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। ताकि अगर आपके एड्रेस तक आप तक नहीं पहुँचता है तो वो मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट कर ले और आपसे पूछ ले, ठीक है। तो जो भी डाक के द्वारा यहाँ पर आपका पिन आएगा उससे थोड़ा सरल हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट जैसे कि पिन कोड और यहाँ पर अपना जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है सब कुछ, और उसके बाद में हम वेरीफाई पर सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर अपनी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि एड्रेस के पीछे मैंने अपना मोबाइल नंबर अटैच कर दिया है, ताकि डाकिया को अगर मेरा एड्रेस ना मिले तो मोबाइल नंबर से ही वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेगा और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा अपना पिन लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोडिंग होगा, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि चलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो गो इट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। और आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको 4 से 5 दिन लग सकते हैं आपका पिन वेरीफाई होने में, ठीक है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाता है आपकी मेल पर मेल आ जाएगा सक्सेस। उसके बाद में यानी कि 30 दिन लग सकते हैं आपके जो गूगल एडसेंस पिन है वो आपके घर तक पहुंचने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, वो देख सकते हैं वेरीफाई का यहाँ पर ऑप्शन था वो हट चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पिन जैसे ही आ जाता है तो हम उसे किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद किस तरीके से अपना हम अपना इसमें बैंक खाता ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद पेमेंट हमारी कैसे कैसे आएगी और किस तरीके से पेमेंट आएगी, हम वो सारी बातें हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तो वीडियो को अभी कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।